अब जो मैं सवाल आपसे पूछने वाला हूं, अगर आपने उसका जवाब दे दिया तो समझ लेना आप जीनियस हो। एक चोर बंदूक लेके एक शॉप में जाता है और कैशियर पर बंदूक तानते हुए पूछता है कि इस तिजोरी का पासवर्ड क्या है। तो कैशियर जवाब देता है कि इस तिजोरी का पासवर्ड हर दिन चेंज होता है और अगर तुमने मुझे मार दिया या हर्ट किया तो तुम्हें वो पासवर्ड नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी वो चोर अपने दम पर अपना दिमाग लगा के उस तिजोरी को पहली बार में ही खोल देता है। तो बताइए उस तिजोरी का पासवर्ड क्या है? सोचिए सोचिए। चलिए मैं आपको बताता हूं, उस तिजोरी का पासवर्ड है चेंज। अब वीडियो को दोबारा देखिए और ये बताइए कि उस चोर को इस बात का क्लू कैसे मिला कि इसका पासवर्ड चेंज है। बाय द वे, पुरानी वीडियो में मैंने एक सवाल पूछा था जिसका जवाब है ऑक्सीजन। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके एक बार चेक कर लेना। थैंक यू। ये बात है 1976 की, जो रोनाल्ड वेन ने स्टीव जॉब को ज्वाइन किया। तब वो एप्पल कंपनी का वन ऑफ द फाउंडर भी था, उसने लोगो भी डिजाइन किया था। इस एवेज में उस वक्त उसे एप्पल कंपनी के 10% शेयर दिए गए थे, लेकिन उसे एप्पल कंपनी के फ्यूचर पे विश्वास ही नहीं था। उसे लगा कि एप्पल कंपनी चलेगी नहीं, इसलिए उस वक्त उसने एप्पल के 10% शेयर मात्र $800 में बेच दिए। लेकिन उसे क्या पता था कि एक दिन एप्पल कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पहली $1 trillion कंपनी बन जाएगी। और अगर आज उसके पास 10% शेयर होते तो आज वो $100 billion यानी कि 70,000 करोड़ रुपए का मालिक होता। कितना बड़ा धोखा हो गया उसके साथ। गाइस, इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी में पेशेंस रखने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्या पता किस्मत कब अपनी करवट बदल जाए। गाइस, क्या आप जानते हैं कि नासा ने रिसेंटली अपने मार्स हेलीकॉप्टर का नाम रखने के लिए पूरे अमेरिका में एक प्रतियोगिता रखी। इसका नाम क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, इसके लिए सुझाव मांगे गए। और आप जान के हैरान रह जाएंगे कि इस प्रतियोगिता का विनर एक भारतीय मूल की 17 वर्षीय लड़की विनीजा रूपानी को घोषित किया गया। उसने इसका नाम दिया इंजेन्युइटी, जिसका मतलब होता है एक ऐसी स्किल जिससे आप प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं और नई चीजें इन्वेंट कर सकते हैं। सो प्राउड टू बी एन इंडियन गाइस। आपको क्या ये खबर पहले से पता थी और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। कोरोना की वजह से यूएस में कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। शायद इसी वजह से वहां की एक संसद में शांति पाठ करवाया गया और ये शांति पाठ वहां के एक भारतीय पंडित राजगोपाल थुपल ने किया। ये देखिए। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम शांति 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 ही। और इसके बाद सभी संसद सदस्यों ने राजा गोपाल थुपल और उनकी पत्नी के लिए तालियां भी बजाई। कितनी गर्व की बात है कि हमारी संस्कृति को पश्चिमी देश अपना रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि हम उसे भूलते जा रहे हैं। आप लोगों का क्या कहना है चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि इस अर्थ पर सबसे महंगा मटेरियल कौन सा है? मैं आपको जवाब देता हूं। इस अर्थ पे सबसे महंगा मटेरियल है कैलिफोर्नियम 252, जिसके 1 ग्राम की कीमत लगभग $27 million यानी कि 190 करोड़ रुपए है। अब इसका काम क्या है? इसका काम है न्यूट्रॉन डिडक्शन टेक्निक से सोने और चांदी की खदानों को खोजना। अब आप ये सोचिए कि जिसके पास ये मटेरियल है वो तो रिच है ही, लेकिन जो इस मटेरियल से सोने चांदी की खदानें खोज चुका है वो कितना रिच हो चुका होगा। गाइस, ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल का लिंक बायो में गिवन है। चलिए गाइस, आपका दिमाग चेक करते हैं। मान लीजिए कि आपके सामने 3 दरवाजे हैं और किसी एक को आपको चुनना है और उसमें से जाना है, पर पहले दरवाजे के पीछे भयंकर आग लगी हुई है, दूसरे दरवाजे के पीछे एक शूटर, एक किलर बंदूक लेके आपका इंतजार कर रहा है, और तीसरे दरवाजे के पीछे एक भूखा शेर है जिसने पिछले 3 साल से कुछ नहीं खाया है। तो मेरा सवाल यह है कि आप कौन से दरवाजे को चुनेंगे और क्यों? 5 सेकंड का टाइम है, बताइए। चलिए मैं आपको जवाब देता हूं। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं तीसरे दरवाजे को चुनता, क्योंकि उस शेर ने पिछले 3 साल से कुछ नहीं खाया है। इसका मतलब वो पक्का मर चुका होगा, क्योंकि एक शेर 2 या 3 सप्ताह से ज्यादा बिना खाए जिंदा रह ही नहीं सकता। आपने कौन सा ऑप्शन चुना था? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलेगा। चलिए गाइस, आपका दिमाग चेक करते हैं कि आपका दिमाग कितना तेज है। मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आपको वीडियो को पोज करके चैट में लिखना है, फिर उसके बाद एट द एंड ऑफ द वीडियो उसके आंसर आपको मिल जाएंगे। पहला सवाल, वो क्या है जिसका सिर होता है, पूंछ होती है, लेकिन शरीर नहीं होता? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल, ऐसी क्या चीज है जो बाहर तो फ्री में मिलती है लेकिन हॉस्पिटल में उसके पैसे देने पड़ते हैं? वीडियो को पोस्ट करिए और आंसर चैट में लिखिए। चलिए पहले सवाल का जवाब देता हूं। नाउ द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉइन, सिक्का।
सिक्के का हेड होता है, टेल होता है, लेकिन शरीर नहीं होता। दूसरे सवाल का जवाब मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। टिल देन गाइस, अगली वीडियो का वेट जरूर करिएगा। थैंक यू।